नमस्कार किसान भाई साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का दलाल मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं विष्णु पाटीदार। दोस्तों आज का दिन है 18 सितंबर 2022 का रविवार का दिन है आज का। और रविवार के दिन जो मंडी के गेट पर जो आवक की स्थिति हमें देखने को मिली है वो जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रदान की जाएगी। दोस्तों वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप लहसुन लेकर मंडी के लिए अब निकलना चाहते हैं तो उसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से पूरी मिल जाएगी। निवेदन करूंगा कि जानकारी अगर पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। पहली बार अगर आप जानकारी देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए और आप जल्द से जल्द सारी जानकारी देख पाए। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ की आवकों की स्थिति की। तो मंडी के अंदर जितनी आवक आती है, मंडी के अंदर जितना माल आता है वो तो सारा फूल हो चुका है। मंडी के अंदर पूरी दोनों प्लेटफॉर्म मंडी के अंतर्गत फूल है। अब दोस्तों इसी वीडियो के माध्यम से आपका जो नीलामी कार्य होगा वो भी जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। मंडी के अंतर्गत जो माल पड़ा है दोस्तों वो बिकेगा 19 सितंबर 2022 के दिन। वो मंडी के अंदर जो माल पड़ा है उसकी बिक्री होगी और उसके बाद में कल शाम को जो वाहन आप मेरे पीछे देख रहे हैं इन वाहनों की कतारों को जो प्रवेश मिलेगा वो मिलेगा कल शाम को। यानी कि मंडी के अंतर्गत जो माल पड़ा है वो माल बिक्री और भरने के बाद में इन जो वाहन खड़े हैं इनको उसके बाद में प्रवेश मिलेगा मंडी के अंतर्गत। और ये जो नीलामी कार्य होगा मंगलवार के दिन इन किसानों का नीलामी कार्य होगा। और भी आवक जारी है और भी किसान भाई मंडी के लिए आ रहे हैं लहसुन को लेकर और जो वाहनों की कतारों में स्थिति हमें देखने को मिल रही है। दोस्तों लगभग मैं अगर जानकारी अगर आपको बताऊं तो किसान भाई मैंने यहाँ पर काउंटिंग कर रखी है। कहाँ से भी आप? सुजानपुरा से। आपका नाम? अशोक बैरागी। अशोक जी बैरागी, कितने वाहन है अभी दलोदा मंडी के पीछे गेट पर? 80 वाहन है। 80 वाहन है दोस्तों, टोटल 80 वाहन मैंने भी गिनती लगाई है। 75 वाहन की गिनती मैंने लगाई है। किसान भाई 80 बता रहे हैं, लगभग कहीं मिस्टेक हो सकती है। 75 मैंने गिना है और 80 किसान भाई बता रहे हैं, मतलब 5। आप भी अगर मंडी के लिए निकले तो कुछ अनुमान देखकर जरूर आएगा। इससे भी अगर वाहनों की आवागमन लगातार जारी है मंडी के लिए आप आए तो इस वाहनों की स्थिति को देखकर ही मंडी के लिए निकले। और दोस्तों मैं आपसे निवेदन करूंगा कि ये जो कतार हमें देखने को मिली लगभग 80 वाहन की जो अभी की स्थिति में हो चुके हैं मंडी के गेट पर, मैं आपको दोपहर की रिपोर्ट बता रहा हूँ। दोपहर के लगभग 1 बजे के समथिंग की आपको रिपोर्ट और जानकारी प्रदान कर रहा हूँ। ये लाइन पूरी आप देख सकते हैं। एक बार और सुनिएगा कि मंडी के अंदर पूरे पूरी तरह से फूल है। सोमवार के दिन जो अंदर माल पड़ा है वो बिक्री होगा और उसके बाद में ये माल बिक्री होगा मंगलवार के दिन। जो आपको स्थिति बता रहा हूँ और भी वाहनों के आवागमन जारी है दोस्तों, जैसा कि स्थिति मैं आपको बता रहा हूँ। एक और पिकअप यहाँ पर लग रही है, मैं आया हूँ और यहाँ पर स्थिति जो हमें देखने को मिल रही है। एक और वाहन यहाँ पर आया है, ये भी इसी के वाहनों की कतारों में लगेगा जैसा कि आपको देखने को मिल रहा होगा। ये आप देख सकते हैं 81 वाहन हो चुके हैं दोस्तों। धन्यवाद। जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा।